एक सप्ताह पहले से चली आ रही प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ के जालौन दौरे को लेकर तैयारियों को सेंध लगाने पहुंचे सपा के युवा नेताओं को पुलिस ने जबरन पकड़कर रोका और बाद में कोतवाली लाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के जाने तक बिठाए रखा। बता दें कि जालौन की कालपी तहसील के ग्राम मगरोल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का लोकार्पण करने के लिए आए थे कि समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रशासन की कमियों को संज्ञान में लाने हेतु तो सीएम योगी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोका और कालपी से उरई ले जाकर नगर कोतवाली ले गए, जिससे आक्रोशित युवा नेताओं ने नारेबाजी कर पुलिस और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। राज्यसभा सांसद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की स्वेच्छा अनुदान राशि का वितरण समारोह रविवार को मेला परिसर स्थित फैसिलिटेशन सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिने स्टार एवं गोरखपुर सांसद रवि किशन विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। इस अवसर पर सांसद रवि किशन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। रविवार को खड्डा ब्लॉक के ग्राम सभा बंजारी पट्टी में ग्रामीणों द्वारा शपथ पत्र के साथ की गई शिकायत की नायाब तहसीलदार खड्डा अमित शेखर ने गाँव में खुली बैठक कर जाँच की, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेकों नियमितताएं प्रकाश में आई हैं। क्या नाम है? हरिंदर कुशवाहा। कौन से ग्राम सभा निवासी? सिसोराम सा ग्राम बाजारी। किस तरह की अनियमितताएं जो हैं की जाती थी कोटेदार के द्वारा? भैया हमारा कार्ड बना है 2016 से, 2016 से 7 महीना राशन दिए हैं, उसके बाद जब भी मैं राशन लेने जाता हूँ तो राशन नहीं देते हैं, बोलते हैं कि घर पर आना, घर पर जाता हूँ तो बोलते हैं खेत में बुलाने जाते हैं तो बोलते हैं आज शाम में ये जाओ कल आना, तो ऐसे कर हमको राशन नहीं देते हैं। आज 2016 से लेकर मात्र 7 ही महीना राशन मिला हमको, आधार कार्ड देने पर भी बोलते हैं नहीं देंगे। शिकायत वगैरह की तो शिकायत की बात बहुत की हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो अब प्रधान बोले कि चलो हम शिकायत दरखास्त डलवाते हैं तो प्रधान डलवाएं तो भाई हम लोग साथ में हैं। देवरिया बनकटा थाना क्षेत्र के फटवा पांडे चौराहे पर भैंस चराने गए एक 60 वर्षीय वृद्ध को पीछे से आ रहे बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में परिजनों ने घायल को सलेमपुर सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया, किंतु वृद्ध ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी जांच शुरू कर दी है। मेरठ में पिछले दिनों कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में हुए जान मोहम्मद हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्त और उसकी पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि मृतक ने अपनी दोस्त की पत्नी की अश्लील वीडियो बना ली थी, जिसके बाद वह लगातार उसे वायरल करने की धमकी देकर जबरन महिला के साथ संबंध बना रहा था। मृतक की हरकतों से आजीज होकर महिला और उसके पति ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। वहीं एसएसपी ने बताया कि इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।